जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड डिफेंस अफेयर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के डिफेंस न्यूज हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय सेना चीन पाकिस्तान सीमा पर तैनाती के लिए 307 अटैक हाउजर तोप खरीदेगी। 2024 की शुरुआत तक 5 S-400 रेजिमेंट की डिलीवरी की उम्मीद। भारत के टॉप मिलिट्री कमांडर हाल के संघर्षों का अध्ययन करेंगे, भविष्य के युद्ध के लिए भारत को तैयार करेंगे। दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको डिफेंस की करंट अफेयर्स अपडेट मिलता रहेगा। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की दिशा में एक प्रमुख कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय को भारतीय सेना से चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर तैनाती के लिए 307 उन्नत आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना से $1 बिलियन से अधिक का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है और इस पर चर्चा चल रही है। रक्षा अधिकारियों ने ANI को बताया कि इसे जल्द ही मंजूरी मिलने और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूरी के लिए भेजे जाने की उम्मीद है। इस स्वदेशी हाउजर के लिए ये पहला ऑर्डर होगा जो करीब 50 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकता है और माना जाता है कि यह अपने श्रेणी में सबसे अच्छी तोप है। तीसरी S-400 रेजिमेंट की डिलीवरी रशिया के द्वारा पूरी हो चुकी है, जिसके बाद दो और रेजिमेंट की डिलीवरी बाकी है। दूसरी और तीसरी रेजिमेंट की डिलीवरी कुछ महीने की देरी हुई है। सूत्रों के मुताबिक यह देरी कुछ पेमेंट डिले के वजह हुई है। रूस के साथ $5.43 बिलियन के डील के तहत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट की डिलीवरी साल के अंत या 2024 की शुरुआत तक पूरी होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक S-400 की ये 3 रेजिमेंट नॉर्दर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर में डिप्लॉय हो चुका है। मनी ट्रांसफर के लिए रूस को ग्लोबल स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिए जाने के बाद पेमेंट की समस्या और बढ़ गई। भारत और रूस यूरो में भी भुगतान की कोशिश करने के बाद रुपए रूबल में पेमेंट करने का सहमत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले महीने के संयुक्त कमांडर सम्मेलन को संबोधित करने की उम्मीद है, जो कि आधुनिक युद्धों से डेरिवेटिव तलाशने के लिए एक प्रमुख विचार मंथन अभ्यास होगा, जहां स्टैंड अप हथियार और ड्रोन का प्रभावशाली प्रभाव के साथ उपयोग किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 3 दिवसीय त्रिसेवा सम्मेलन 30 मार्च को भोपाल में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ PM मोदी के तीसरे और अंतिम दिन बैठक को संबोधित करने की उम्मीद है, जबकि अग्निपथ योजनाओं का सुधार राडार पर होगा। भारत के शीर्ष कमांडरों से उम्मीद की जाती है कि वे अपना अधिकांश समय यह समझने में बिताएंगे कि भविष्य के युद्ध कैसे जीते जाएंगे। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।